चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में किया जाना है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कैसी हो सकती है भारतीय टीम। इसके अलावा आपको बताएंगे वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें मिल सकता है भारतीय टीम में मौका। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भारतीय टीम के अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में किया जाना है। रिपोर्ट्स की माने तो चैंपियंस 19 फरवरी से शुरू हो सकती है तो वहीं फाइनल मुकाबला 9 मार्च को खेला जाएगा। 10 मार्च को फाइनल के लिए रिजर्व डे घोषित किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 8 टीमें खेलती हुई नजर आने वाली हैं, जहां पर सभी टीमों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ रखा गया है। भले ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में किया जा रहा हो लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय टीम के मुकाबले दुबई में या फिर श्रीलंका में कराए जा सकते हैं। ज्यादा संभावना दुबई की नजर आ रही है। आपको बता दें महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब 2013 में जीता था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शुरू होने में भले ही अभी काफी लंबा वक्त बचा हुआ हो लेकिन भारतीय टीम में कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है ये लगभग तय हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय टीम के स्क्वाड के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको बता दें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में एक बार फिर से रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान होंगे। हाल ही में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। अभी यहां पर रोहित शर्मा भारतीय टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतना चाहेंगे। रोहित शर्मा वैसे भी अब सिर्फ वनडे और टेस्ट क्रिकेट में ही खेलते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे में हमें उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में न सिर्फ बतौर कप्तान बल्कि बतौर बल्लेबाज भी रोहित शर्मा धमाल मचा सकते हैं। विराट कोहली की बात करें तो रोहित शर्मा की तरह विराट कोहली भी अब सिर्फ वनडे और टेस्ट क्रिकेट में खेलने वाले हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अगर भारतीय टीम को खिताबी जीत हासिल करनी है तो विराट कोहली महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। भारतीय टीम के उपकप्तान हार्दिक पांड्या रहेंगे। हार्दिक पांड्या ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में काफी शानदार प्रदर्शन किया था। हार्दिक पांड्या इस समय न सिर्फ बल्ले से बल्कि अपनी गेंदबाजी से भी काफी अच्छे साबित हो रहे हैं। रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल को बतौर ओपनिंग बल्लेबाज आजमाया जा सकता है। शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में एक बेहतरीन बल्लेबाज है और भारतीय टीम के लिए कई मौकों पर अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी भारतीय टीम के लिए कमाल कर सकती है। ऋतुराज गायकवाड़ को अभी तक ज्यादा मौके नहीं मिले हैं लेकिन जब जब ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलता है वो काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ऋतुराज गायकवाड़ भारतीय टीम का हिस्सा बन सकते हैं। ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए काफी अच्छे साबित हुए हैं। ऋषभ पंत आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, इसके अलावा उनकी विकेटकीपिंग भी काफी अच्छी रही है। हालांकि भारतीय टीम में केएल राहुल को भी जगह दी जाएगी। केएल राहुल विकेटकीपिंग भी कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी प्लेइंग 11 में दोनों खिलाड़ियों को मौका मिलता है या फिर किसी एक को। मोहम्मद शमी काफी लंबे वक्त से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मोहम्मद शमी भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। मोहम्मद शमी वैसे भी ICC ट्रॉफीज में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और एक बार फिर से मोहम्मद शमी अपनी तेज रफ्तार से कमाल कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह इस समय न सिर्फ भारतीय टीम के बल्कि पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज हैं। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में जसप्रीत बुमराह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे। अभी यहां पर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में भी कमाल करना चाहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अगर हम भारतीय टीम के संभावित स्क्वाड पर एक नजर डालें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, ऋषभ पंत, संजय सैमसन, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को मौका मिल सकता है। आपके हिसाब से भारतीय टीम का स्क्वाड क्या होना चाहिए आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।